डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। अंग्रेजी को राष्ट्रभाषाओं की सूची में सम्मिलित करने के लिए जो सुझाव सदन के सामने आया है उसका विरोध हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारी किसी भाषा से दुश्मनी है। हम यदि अंग्रेजी भाषा के आधार पर विद्वान बने हैं तो यही कहकर कि हम उसी के द्वारा बने रह सकते हैं, हिंदी को पीछे रखना उचित नहीं है। यह भ्रम सारे देश में फैलाया जा रहा है कि हिंदी से हमारी प्रगति नहीं हो सकती है। इसके विपरीत मैं देखता हूँ कि देश को यदि कोई भाषा दो भागों में बांट रही है तो वह अंग्रेजी भाषा ही है। जिनको हिंदी नहीं आती वे समझते हैं कि हिंदी पढ़े लिखे लोग उन पर हावी हो जाएंगे। मेरी समझ में तो यह बात नहीं आती कि जो आदमी विदेशी भाषा का पंडित बन सकता है उसे हिंदी का साधारण सा ज्ञान प्राप्त करने में कौन सी कठिनाई आ सकती है। हिंदी तो इतनी सरल भाषा है कि आदमी थोड़े से संपर्क से ही हिंदी सीख लेता है और अपने भाव प्रकट कर लेता है। ऐसी अवस्था में यदि हिंदी राष्ट्रभाषा का स्थान ग्रहण करती है तो अंग्रेजी से हमारा संबंध टूटने वाला नहीं है। हर देश की अपनी एक भाषा होती है जिससे लोगों के विचारों का आदान प्रदान होता है और वे अपनी समस्याओं को सुलझाते हुए आगे बढ़ सकें। वह भाषा वही हो सकती है जिसको देश के अधिक से अधिक लोग बोल व समझ सकें। इस देश में केवल हिंदी को ही ऐसा स्थान प्राप्त है। फिर हमें हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में क्यों आपत्ति है। यदि हम इस प्रस्ताव को जो कि हमारे सामने पेश है स्वीकार करते हैं तो मेरा यह निश्चित मत है कि जिस दासता के बंधन से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं उससे हम निकल नहीं पाएंगे। अंत में मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे कल अपनी पार्टी की आज्ञा को न देखें बल्कि अपनी बुद्धि से काम लें और इस प्रस्ताव का विरोध करें। यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो जो आज़ादी हमने 200 सालों के बाद प्राप्त की है उसके फलने फूलने में बाधा आ सकती है। मैं सदस्य महोदय से निवेदन करूंगा कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को इस सदन में लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इस समय में जो पहले के राज्यपाल हैं वे अपने कर्तव्य और
आदर्श में गिरते चले जा रहे हैं, जिससे देश के जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। जो आदमी संविधान के रक्षक के रूप में काम कर चुका हो, राज्यपाल रह चुका हो, और वही आदमी राज्यपाल न रहने पर ऐसा काम करे जो जनता के विरुद्ध जाता हो, तो इससे यह मालूम होता है कि वह जो उसका आदर्श है उससे गिर रहा है। उनके सामने हमेशा यही आदर्श रहना चाहिए कि किस तरह से अधिक लोगों का हित हो और हम लोक स्वराज्य की स्थापना कर सकें, जैसा कि हमने अपने संविधान में कहा है। लेकिन देखने में आता है कि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। एक बात मैं इस सिलसिले में आपके सामने रखना चाहता हूं। जब यह कानून बना था तो उसमें यह बात शामिल थी कि जो लोग दबे हुए हैं, जिन जिन लोगों का शोषण हो रहा है, उनको कुछ सुविधा मिले, उन्हें कुछ राहत मिले और इस प्रकार से उनका जीवन स्तर ऊंचा हो। यह बात सबको मालूम है कि भारत के जो अखबार हैं उनके जो मालिक हैं वे प्रायः वही लोग हैं जो धनी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं तथा उनसे अपने हितों की रक्षा का कार्य भी करवाते हैं। इस कानून के बनने से उनको ऐसा लगा कि हमारे जो हित हैं उनको धक्का लगेगा और कर्मचारी को कुछ ज़्यादा देना पड़ेगा। उन्हें इस कानून को, जिसे इस सदन ने पास किया था, चुनौती दी और कोर्ट में गए। वहाँ पर भी हम यह देखते हैं कि उस मुकदमे की पैरवी करने के लिए एक आदमी जो कि राज्यपाल के इस पद पर कार्य कर चुके हैं जाते हैं। राज्यपाल के पद पर रहने पर तो हम जनकल्याण की भावना का समर्थन करें, लेकिन उस पद को छोड़ने के तुरंत बाद हम उसके विरुद्ध कार्य करें तो इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे जो राज्यपाल हैं वे राज्यपाल की इज्जत को धक्का लगा रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल ऐसे आदमी नियुक्त किए जाते हैं जिनका बड़ा सम्मान होता है और जो काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं और देश के नेता होते हैं। स्टॉप।